की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, मंदिर गए या आपने हनुमान चालीसा पढ़ा या नहीं पढ़ा, या किसके मन की क्या इच्छा चल रही है, वो तो इतना विशाल उनका सिस्टम है जिसको कि आज तक दुनिया में कोई समझ ही नहीं सका। और क्योंकि ये कलयुग है, इसमें भी हर आदमी नहीं समझ सकेगा, तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का खेल भी आपने देख लिया, महसूस भी कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली वो शक्तियां ही प्रिवेल करती हैं, हमेशा अपने भक्तों पर वो कृपा करती रहती हैं। और वो चीज़, क्योंकि वो एक एक का कर्म है, जैसे जैसे कोई चलता है वैसे वैसे वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आपने ऐसा, जब आप सच्चे मन के साथ उन शक्तियों से जुड़ जाते हैं तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। आप 2 मिनट भी पूजा करते हो, या आपके घर के लिए क्या कर रहे हो, परिवार के लिए क्या कर रहे हो, या दूसरे कर्म क्या है, वो सारे मैच करने चाहिए। तो फिर आपकी क्या इच्छा है उनको ये भी पता होता है एक से लेके। लेकिन आपने ये जरूर सोचना है अहम नहीं लाना है, और जब कभी अगर कितने भी हालात खराब हों, जब सब आदमी साथ छोड़ देते हैं लेकिन वो शक्तियां कभी नहीं छोड़ती, इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। लेकिन वो दिन बदलने के बाद अहम नहीं लाना है, फिर ये नहीं, कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन जब आदमी में अहम आता है या कुछ ऐसा आता है कि ये मेरा दिमाग चल रहा है, तो फिर क्या है, वो शक्तियाँ भी देख रही होती हैं, वही आदमी रहता है, वही डिग्रियाँ रहती हैं, वो सब कुछ फिर बदलने लगता है। तो जो एक समान चलता जाता है, क्योंकि ये एक दुनिया की अटल सच्चाई है, जिन्होंने इस संसार को रचा है, तो वो सब पर एक एक का ध्यान रखते हैं, एक एक पर निगाह रखते हैं, और एक एक का पेट पालते हैं, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे वो इंसान है, उन्होंने हर एक का वो रखा हुआ है। और लेकिन आदमी वो चीज़ नहीं समझ पाता, और जो समझ जाता है तो वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है और अपना ट्रैक जो है फिर सच्ची शक्तियों की तरफ मोड़ लेता है। और जिसने वो कर लिया तो समझिए उसकी परेशानियां भी नहीं, और वो खुशियां उसकी ज़िंदगी में वो देते हैं जो वो कल्पना भी नहीं करता। इसीलिए हम कई बार पॉइंट आउट करते हैं कि जब भी आप उन शक्तियों के लिए करते हैं तो आपने भी अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि अगर आप उसमें कमी लाते हैं या डाउनग्रेड करते हैं, ये नहीं कि अपनी शक्ति के बाहर करना है, शक्ति तो वो खुद देंगे, हाँ उसके अनुसार करते हुए जब करते हैं तब वो शक्तियां जो है उतना बढ़ चढ़ के करती हैं, जितना प्रायोरिटी में आप उनके लिए करते हो उतना ही प्रायोरिटी में वहां से होता है। और जो आदमी कहता है समय नहीं मिला या बुलावा नहीं आया, तो फिर वो भी इसी तरह, क्योंकि उनके तो लाखों भक्त हैं, फिर वो इंतजार करता रह जाता है लेकिन बुलावा नहीं आता है, क्योंकि वो शक्ति आने ही नहीं देती है। तो आपने वो करना है जिससे कि पहले जो हो चुका है किसी का भी जाने अनजाने में, वो तो बख्शा जाएगा, लेकिन जो भी इस दरबार में आता है तो वो शक्तियां उसके रास्ते खोल देती हैं कि आगे का रास्ता भाई ठीक कर लो, तो उनकी कृपा ही कृपा जाती रहेगी और बाबा का आशीर्वाद भी रहेगा और सारे काम भी उसी तरह बनते रहेंगे। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचना, मन में फर्क नहीं लाना, उस शक्ति को हमेशा अपने से ऊंचा समझना है और उनका मान करना है। खाली घर में लाके रखना कोई मूर्ति फोटो या किताबें होली, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिनका आप पढ़ते हो या उनको माथा टेकते हो या उनकी पूजा करते हो, चाहे 2 मिनट ही है, चाहे हाथ ही जोड़ देते हो, तब उनका मान होता है। और अगर आप ला के रखते रहो सिर्फ और उनका आप देखो भी नहीं कि कहाँ पड़े हुए हैं, तब वो गड़बड़ होती है। तो ऐसा आपने नहीं करना है, मंदिर भी कम्पैक्ट रखना है। अपना एक ऐसा नियम बना लीजिएगा, चाहे वो घर का मंदिर है, चाहे आपके शहर का है, या जो मेन उनका स्थान है, तो वो सारा एक तालमेल में चलता है। और जब कर्म साथ में मैच करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो वो ना दें, हाँ जायज़ नजायज़ ज़रूर देखते हैं। और आप उस रास्ते पर चलिएगा तो बाबा का आशीर्वाद भी रहेगा और सारी इच्छाएं आपकी वो पूरी होती रहेंगी। ये हमारा आशीर्वाद है अपने भक्तों के लिए, लेकिन ट्रैक सिर्फ वही सच्ची शक्तियों का अपनाना है।
बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी भाई कहाँ से आप आए? मालवानी से, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। भाई ये लकड़ी की सीढ़ी बहुत आ रही है हमारे सामने, ध्यान करके देखो। घर से कुछ दूरी पर है, वहाँ बेचते हैं लोग। तो आप क्या देखते हुए जाते हो? हाँ, जब रास्ते से गुजरते दिखता है। घर में सीढ़ी है या नहीं? है, लेकिन लकड़ी की नहीं है, एल्यूमिनियम वाली सीढ़ी है बाबा जी, उसको यूज कर ले। तो ऐसा है फिर, एल्यूमिनियम की है, ठीक है जी। तो लकड़ी की सीढ़ी टकटकी लगा के देखते हुए मत जाया करो है? जी। और या फिर एक दान कर दो किसी को। जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। जय निर्मल बाबा। भाई कहाँ से आप आए? मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ बाबा जी रुक जाता, नहीं पता काम होता है आधा बीच में रुक जाता। हम लोग सब भाई बहन जो भी काम करते, काम अच्छा जाता है, बीच में रुक जाता है। आपकी कृपा चाहिए बाबा जी। सबसे पहले एक चीज बताओ कि आप पीरों के किसी जगह पर गए? हाँ, पीरों के बाबा जी मजार जाता था। मैं निकलता हूँ जहाँ से मैं काम में निकलता हूँ, पहले पीरों के मजार छोके जाता हूँ। मेरे मन में आता है मैं जाऊँ, पर जाता हूँ। सीढ़ी गया था तो मजार गया था बाबा। जहाँ से निकल के जाते हो मन में आता है जाऊँ? हाँ। जाते नहीं हो? नहीं जाते बाबा, डेढ़ साल हो रहा नहीं गया बाबा जी मजार वाले, क्योंकि वहाँ से आपकी कृपा रुकी हुई है। साल में एक बार जाया करो, जाओ फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगा। बैठ जाओ। भाई कहाँ से आप आए? चंडीगढ़ से। अच्छा, ये मक्खन बहुत आ रहा है, आपके सामने कब आया? बनाया था भाई तो 3-4 दिन पहले बनाया था। काफी 3-4 दिन पहले काफी बनाया था? हाँ जी भाई, इसीलिए लड्डू गोपाल पहुंच गए हैं। अब एक कटोरी मक्खन किसी भी कृष्ण जी के मंदिर में जाके चढ़ा दीजिएगा, मिश्री के साथ कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बाबी मेरा कनाडा का काम रुका हुआ है, काम चलने शुरू हो जाएंगे, जो कहा है वो कर लीजिए। बाबा जी को कोटी कोटी प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? ओल्ड राजेंद्र नगर नई दिल्ली। जी एक गाड़ी की चाबी बड़ी आ रही है सामने, छल्ला गाड़ी की सर। हाँ बाबा जी, आपसे विश मांगी थी, आपने विश पूरी कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नई होंडा मेज कार ली है सर। भाई कृपा आ रही है, अब जाके 1 किलो बर्फी गरीबों में बांट देना, जाओ। हाँ जी सर, कड़ी जगह तो आए? लुधियाना से जी। भी ये बादाम बड़े आंदे पे ने सामने, बादाम घर वास्ते लेके जाना जी। मैं घर वास्ते लेके जांदे हो? हाँ जी हाँ जी। भिओ के कदों खादे? मैंने तो काफी देर हो गई, सिस्टर ने खवाए सी जी। इस तरह तुसी थोड़े बादाम ना एक बारी गरीबां च वंड दिया जे, जाओ कृपा नहीं शो। बाबा जी सिस्टर बटी ना 2011 थोड़े चरण लगी, ओह ना टीवी ने माध्यम पे लगी, ओह नहीं भेजे मैंने जी, ओह बीमार रही है, बड़ा जोर लगे। कोई नहीं, आशीर्वाद है। और एक सेकंड जी भाई, एक दो गुरुद्वारे बड़े सामने आंदे पे ने, आलमगीर कदों गए? आलमगीर भी 2 साल हो गए। लुधियाने रहिंदे हो ना? हाँ जी हाँ जी। किन्नी दूर है? नेड़े है जी। फिर क्यों नहीं गए? बस सिस्टर गई मेरे घर नहीं, बस काम बनने ने उठे थे, तुम जाते नहीं पे। सत हो। और एक दुख निवारण गुरुद्वारा नालगी साडे, उत्थे कदों गए? उत्थे 2-3 साल हो गए। दसो नेड़े भी 2 साल हो गए, ते जेड़ा 5-10-12 किलोमीटर होएगा उत्थे भी 2 साल, ते कृपा कित्थों आएगी? ओ जाना शुरू करो, फिर तुहाडा इत्थे आना सफल होएगा और कृपा आनी शुरू हो जाएगी। काफी देर हो गई। किन्नी? कई साल हो गए। क्यों कई साल हो गए? चक्कर कट लगता है दिल्ली का। लगे या नहीं लगे? इस तरह कदों होया कि दिल्ली भी आए हो और उत्थे ना गए हो, वापस चले गए हो? दिल्ली किन्ने चिर बाद आए हो? दिल्ली तो मेरे ख्याल जी साल के बाद ही आए होंगे। जो तो पिछली बारी आए थी? नहीं गए, नहीं गए ना, हुण ऐतकी आए हो। हां जी। तुहाडी उत्थे जाओगे तो कृपा ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, ऐतकी जिहड़ा बंगला साहब होके जाया जे, जाओ आशीर्वाद और कड़ा प्रसाद भी करा दिया। भाई आप कहाँ से आए? गुवाहाटी से। साईं बाबा के मंदिर गए कभी? हाँ गए। कहाँ पर? कामाख्या मंदिर। साईं बाबा के? नहीं साईं बाबा नहीं। साईं बाबा का कहाँ आपने देखा? साईं बाबा देखा है वहाँ पर, आपको गुवाहाटी में है साईं बाबा मंदिर। गुवाहाटी में है ना? हाँ। तो जो देखा है उसके अंदर भी जाओ,
तो साईं बाबा माँ का मख्या की तो कृपा उधर से आएगी, लेकिन साईं बाबा की कृपा अनिश हो जाएगी, चाहे दो महीने तीन महीने में एक बार चले जाएगा। जब बैठ जाओ, यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि हमने जो पूना में एक फ्लैट लिया था, और फ्लैट लेने के बाद वो फ्लैट हमने ये वास्तु शांति वाले उनको बताया था। उनको बताने के बाद उन्होंने बोला था कि इस फ्लैट में आप मत रहिए, क्योंकि इसमें रहेंगे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो उसी के बाद जब मार्च 12 को मैंने आपका समागम ऐसा ही टीवी में देख लिया। उस दिन से बाबा उसी फ्लैट में रहता हूँ। ये जो पेंशी वाले हैं, वास्तु सदने वाले, इन्होंने इतना पागल करके रखा था कि हम दर दर के ठोकरे खा रहे थे, खुद का फ्लैट छोड़ के दूसरे फ्लैट में रहने जा रहे थे बाबा। लेकिन आज उसी फ्लैट में रहते हैं, उसी फ्लैट में जी रहा हूँ। आज भी जो कुछ भी मेरे पास है सिर्फ आपकी दुआ है बाबा। आपकी दुआ की वजह से मैं जी रहा हूँ। और लोगों को बोलता हूँ मैं कि निर्मल बाबा है तब तक कोई डरने का बात नहीं है। वास्तु तज्ञ और पेंशी सब झूठ बातें हैं बाबा। इन्होंने हमें पूरे पागल कर दिया था। पूरा फैमिली बाबा डिस्टर्ब हुआ था। मिसेज जो भी अभी मैं ये आया हूँ, विश लेके आया, वो पूरी करो बाबा। कुछ गलती होंगी तो माफ करो बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए बाबा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है बाबा, मैंने अभी खड़े खड़े कहा था कि बाबा मुझे आपके करीब से दर्शन करने, मुझे बोलना है, और आपने बाबा ये दे दिया। बाबा, मेरे पति और मेरे जियाजी एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं बाबा, उसमें तरक्की देना बाबा। वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें बाबा। हम जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के ना देखे बाबा। आज आपने बाबा मुझे दर्शन दिए, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बाबा। आज आपकी वजह से मेरी बेटी आर्किटेक्चर कर रही है बाबा। उसने रो रो के आपसे 12th में विश मांगी थी कि बाबा मेरे 95% मार्क्स आ जाए। बाबा, आपकी कृपा से उसके आए, और बाबा आज वो सबसे बेस्ट कॉलेज से आर्किटेक्चर कर रही है बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। निर्मल बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, एवं गुरु माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा जी, मैं इसी समागम के लिए बुकिंग कराने के लिए मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कुरुद धमतरी जिला है, तो धमतरी में बैंक है सर, कुरुद के पास नहीं है बाबा जी। तो बुकिंग कराने के लिए मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था बाबा जी, और शनिवार का दिन था, आपकी बुकिंग कराने के लिए जा रहा था। बंद हो जाएगा करके बहुत स्पीड से जा रहा था बाबा जी। 10 चक्का गाड़ी होता है, उसके नीचे मैं आते आते बच गया बाबा जी, और मेरी जान बच गई बाबा जी। ये आपकी कृपा है, कृपा करना बाबा, कृपा करना। मेरे मालिक की कृपा से यहाँ तक पहुँचा बाबा जी, कृपा करना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बाबा जी, कोटि कोटि नमन। निर्मल बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। ये 7 समागम के बाद आज मौका मिल रहा है फिर से बोलने का। एकदम फर्स्ट में फिर बताई थी मैं, जब MBA क्लियर कर लिया था बाबा, आपने ही टॉप करवाया था मुझे क्लास में। पर बाबा जी, अभी कृपा कीजिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बाबा। बहुत ट्राई कर रही हूँ बाबा जी, प्लीज़ कृपा कीजिए। और आपको सब पता है बाबा, मन में जो भी विश है बाबा जी, प्लीज़ पूरी कर दीजिए। बाबा जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं अमरोहा UP से आया हूँ। बाबा जी, आपसे मैं सन 2008 से जुड़ा हूँ, और आपकी कृपा से मेरे पहले कामों में जो रुकावट हुआ करती थी वो दूर होने लगी बाबा। मेरे काम बनने लगे, मुझे महसूस होता है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है बाबा। हम मेरे सब जो काम है रुके हुए, बड़े और मीन काम है, उनको बनवाने की पकीजिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
निर्मल दरबार की जय। बाबा जी आपका एक्सपीरियंस, मेरे पति 10 साल से बाहर थे, आ नहीं रहे थे, जब हम आपसे जुड़े तो वो 2 बार यहाँ आ चुके हैं फौरन से। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है बाबा जी मेरा, कृपा करो, बरकत नहीं है बाबा जी। मेरा बेटा भटक गया है 2 में, उसको NDA में सिलेक्शन करा दो बाबा जी, बरकत करो मेरे घर पर, मेरे घर बिखर रहा है बाबा जी, प्लीज कृपा करना अपनी। मेरी विश है बाबा जी अगले समागम में मैं पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे सास ससुर के साथ, सबके साथ आपके दरबार में आऊं बाबा जी, कृपा करना बाबा जी, कृपा करना। प्रणाम बाबा जी, मैं अहमदाबाद से नरेश बंक आया हूँ, आपसे जुड़ने के बाद बहुत खुश हूँ बाबा। आप, मेरी सारी समस्या कम हो गई है बाबा, 90% कम हो गई है, 10% बच गई है बाबा, पूरी कर दीजिए बाबा, कृपा कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं कालका डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से आई हूँ। बाबा एक्सपीरियंस बहुत होते हैं लाइफ में, पर हर चीज में नाम लेते हैं, हर चीज हो जाती है पूरी। बाबा बस एक ही आस लेके आई हूँ इस बार कि जब एम्स में क्लियर हो जाए और AIPMT का एग्जाम पूरा हो जाए, और मेरी बहन, मम्मी पापा सब पे अपनी कृपा बरसाए रखो, वो आपको दिलो दिल मानते, छोटी सी चीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो आपका नाम लेते हैं और उसी टाइम उनकी आंखों के वो चीज आ जाती है, उनके बस कारोबार में हर चीज पे उन्हें कृपा बनाए रखो। बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं नरेंद्र कुमार जैसलमेर राजस्थान से आया हूँ, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन। बाबा जी 3 साल पहले मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था, उस समय आपका समागम देखना मैंने शुरू किया, तो मैंने सोचा बाबा जी कभी मेरी भी एक ऐसी फैक्ट्री होगी। बाबा जी आज की डेट में मेरी 2 फैक्ट्रियाँ और मैं 3री की तैयारी में हूँ। निर्मल बाबा जी की कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम है अंचल, मैं होलैंड से आई हूँ। मेरा छोटा सा विश है मेरी मम्मी पापा को अपनी जॉब मिल जाए और मुझे 1st क्लास में लेकर आना, क्योंकि जब भी मैं आपका वीडियो देखती हूँ किसी तो मैं 1st आती हूँ क्लास में, तो आज मेरे बड़े बड़े एग्जाम है तो मुझे 1st दिलाना। निर्मल बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आपकी इच्छा से सारे काम छोटे छोटे इतने अच्छे से हो जाते हैं कि कुछ पता नहीं चलता है प्रभु। और बेटी की शादी खूब धूमधाम से खूब अच्छी तरह हो गई, बेटी को आशीर्वाद दीजिए, उसे संतान रत्न की प्राप्ति हो प्रभु, और प्रभु पत्नी और हमारे संबंध अच्छे बने रहे प्रभु, बाल बच्चे को सुखी रखे प्रभु, और 30 साल में जो सुख प्राप्त हुआ प्रभु मिले। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपसे 5 साल से जुड़े हैं, 5 सालों में इतने एक्सपीरियंस हुए हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस हुए हैं कि मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। बाबा जी मेरी फ्रेंड्स कहते हैं यार तू कितनी लकी है, तेरे वाइवा में हमेशा तेरे को इजी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं कहती हूँ ये तो मेरे बाबा जी की कृपा है, हमेशा बाबा जी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट टीचर भी बाबा जी इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं, और बाबा जी मेरे सारे वाइवा अच्छे होते हैं। बाबा जी अब PG में सीट दिलवा दीजिए, आपने मेरी सारी MBBS बहुत अच्छे से निकाली है, बाबा जी फाइनल ईयर, और बाबा जी PG में सीट दिलवा दीजिए, और बाबा जी मेरे पापा का हॉस्पिटल बनवा दीजिए, बाबा जी प्लीज कृपा कीजिए। शक्तियों की अपार कृपा सब पर जा रही है। हमारा आशीर्वाद सबके लिए है। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है, निर्मल दरबार, 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-6600। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/
निर्मल बाबा जी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@NirmalBabaji।